निर्मल से बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने संसद में धनबाद की समस्या को लेकर के सवाल किया है, जिसके बाद न्यूज 11 भारत से खास बातचीत की और बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता से जो वादे किए हैं वो उसे पूरा करेंगे और इसकी शुरुआत लोकसभा में सवाल उठाकर करती है। ढुल्लू का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जानबूझकर समय बर्बाद करने के लिए ये तरकीब किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर सांसद ढुल्लू महतो से खास बातचीत की दिल्ली संवाददाता अमर ने। सदन में आपने धनबाद के मुद्दे को उठाया था और ये कहा जाए कि जो आपने वादा किया था, क्या उसकी एक कड़ी है जो सदन में आपने उठाया? निश्चित तौर पर जो समस्या धनबाद के लोगों के बीच है, उस समस्या को तो हमारा उठाना कर्तव्य है और करवाना भी कर्तव्य है। तो निश्चित तौर पर जो जो समस्या धनबाद में है, लंबे समय से पड़ा हुआ, उसको हम निदान करने का प्रयास करेंगे। तो उस कड़ी में कहां तक पहुंचे, क्या सरकार? तो सरकार के संज्ञान में दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार के संज्ञान में कोई भी समस्या इस देश का आता है तो हर एक एक समस्या को गंभीरता से लेता है और उसको निदान करने का भी काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ जो कल उस परसों जो भाषण हुआ अनुराग ठाकुर के उस बयान के बाद, जो प्रधानमंत्री जो चाबासी दिए, उसके बाद कहा सो मोटो लाने की तैयारी कर रही है विपक्ष? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई गलत बयानबाजी नहीं किया है, जो बोला है वो तो सही बोले हैं। कौन सा गलत बात बोला बताइए तो हमको, वो तो किसी का नाम लिए भी नहीं है, वो कैसे समझ गए कि हमको बोल रहे हैं? अरे भैया, अगर अनुराग ठाकुर जी किन्हीं का नाम लिए रहते तो बोलता कि नहीं ठीक है, हम उनके नाम लिए हुए थे इसलिए वो अपना रिजेक्ट कर रहे हैं, मगर उनका तो नाम लिए नहीं है। जिनका नाम ही नहीं लिया है तो उसका कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता, जिसके पास मुद्दा नहीं है वो मुद्दा बनाकर इस पर विवादित खड़ा कर रहा है। सदन को इतने जन समस्या यहाँ पे आ रहा है, हर एक एक समस्या इन लोगों के गंभीरता से लेकर राज्य देश के समस्या को निदान करना चाहिए, न कि उस समस्या को डिस्टर्ब करके, मतलब हम कह सकते हैं कि उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है सरकार को, तो ये गलत बात है। 3 महीने के बाद चुनाव है सर, झारखंड में फुल बहुमत की सरकार बनेगी भाजपा की, और सदन अभी चल रही है झारखंड में। झारखंड में सदन चल रही, देख ही रहे हैं वहाँ का स्थिति, आप देख ही रहे हैं कि इस राज्य में कानून व्यवस्था झारखंड प्रदेश का समाप्त हो चुका है। हत्याएं, मर्डर, लूट, रेप, अनेक घटना दिन प्रतिदिन तो घटते जा रहा है। तो इसका फायदा आप लोग उठाएंगे या फिर लोगों तक जाएंगे? फायदा नहीं, हम लोग जन समस्या को समाधान करके, लोगों के हर एक एक समस्या को गंभीरता से लेते हुए समस्या को निदान करके हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, विकास के नाम पर भी जाते हैं। अगले 5 वर्षों में रघुवर दास जी के सरकार में जो 5 वर्षों में काम हुआ है उसके नाम पर हम लोग जा रहे हैं। आज केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में जो काम हो रहा है उसके नाम पर हम लोग, विकास के नाम पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया सर। ये थे ढुल्लू महतो जी, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से केंद्र में जो बातें चल रही है, खास करके किसी का नाम नहीं लिया गया और बेवजह का विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिस आधार पर वो मुद्दा बना करके डिस्टर्ब करना चाहती है। दिल्ली से कैमरामैन विजय के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।